बुलबुल एक परिवार के सदस्य हैं। पाइकनोनोटिडे मध्यम आकार के पैसिरीन सोंगा बर्ड्स, जिसमें ग्रीन बुल्स, ब्राउन बुल्स, लीफ लोव्स और ब्रिस्लोबिल्स भी शामिल हैं। परिवार अधिकांश अफ्रीका और मध्य पूर्व में, उष्णकटिबंधीय एशिया से इंडोनेशिया तक और उत्तर में जापान तक वितरित किया जाता है। बुलबुल अफ्रीका और एशिया की पाइकनोनोटिडे ऑर्डर पासेरिफॉर्मिस परिवार के पक्षियों की लगभग 140 प्रजातियों में से कोई भी, जिसमें कुछ ग्रीन बुल्स और ब्राउन बुल्स भी शामिल हैं। सदस्यों का आकार 14 से 28 सेमी 5.5 से 11 इंच लंबा होता है। वे सक्रिय, शोर करने वाले, सादे रंग के पक्षी हैं, जो कभी कभी बगीचों को नुकसान पहुंचाते हैं। जीनस पाइकोनोटस की 47 प्रजातियों का प्रतिनिधि अफ्रीकी बुलबुल पी बर्बेटस, जिसमें पी ज़ेंथोपाइगोस और पी तिरंगा शामिल है, एक थकसेमी लंच भूरा भूरा पक्षी है। अन्य है रेड हिस्कर्ड बुलबुल पी जोपोसस, कभी कभी ओटोकोम्सा जोकोसा, जो भारत से दक्षिणी चीन तक स्वदेशी है, और रेड वेंटेड बुलबुल पी कभी कभी मोलपेस के फिर पाकिस्तान से जावा मूल रूप से और फिजी द्वीप समूह परिचय द्वारा। फिलिस्ट्राफस की 22 प्रजातियां उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में आम हैं। चिड़िया की चोंच वाली बुलबुल स्पिजिक्सोस दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। सफेद गले वाली बुलबुल क्रिनिजर फ्लेवोलस हिमालय से लेकर बाली तक फैली हुई है। बड़ी प्रजातियों में से एक 25 सेमी 10 इंच लंबी मेडागास्कर, हिंद महासागर द्वीपों और ताइवान के पूर्व में दक्षिणी एशिया की काली बुलबुल हाइप्सिपेटस, कभी कभी माइक्रोसेलिस मेडागास्केरेंसिस है। इसमें ग्रे और ब्लैक एंड व्हाइट रेस है। बुलबुल खबरों में है, लेकिन अभी सभी गलत कारणों से, ये ध्यान में रखते हुए कि उनकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर और वजन 100 ग्राम से कम है। वास्तव में बड़े लोगों के लिए अपनी पीठ के बल ग्रामीण इलाकों में घूमना काफी मुश्किल है। भारत बुलबुल की कई प्रजातियों का घर है, और यहाँ कुछ जानकारी दी गई है कि बुलबुल क्या है, वे कहाँ पाई जाती हैं और वे वास्तव में क्या कर सकती हैं। बुलबुल मैना और रॉबिन की तरह गाने वाली चिड़िया या राहगीर हैं। दुनिया भर में बुलबुल की लगभग 150 प्रजातियां हैं, जो ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक्स में वितरित हैं। वे पाइकनोनोटिडी परिवार से संबंधित हैं और बबलर्स से निकटता से संबंधित हैं। पक्षियों का एक समूह भी उष्णकटिबंधीय में पाया जाता है। बुलबुल कई प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं, कुछ ज्यादातर सर्वाहारी होते हैं, जबकि अन्य फल और अमृत प्रेमी भी होते हैं। भारत बुलबुल की 22 प्रजातियों का घर है। वे सभी छोटे पक्षी हैं, उनकी लंबाई औसतन लगभग 20 सेमी और वजन 100 ग्राम से कम होता है। कुछ देश भर में आम उद्यान पक्षी हैं। सर्वव्यापी लाल मूंछ वाली बुलबुल एक ऐसी चिड़िया है जिसे आपने निश्चित रूप से देखा होगा, चाहे आप एक पक्षी प्रेमी हो या नहीं। स्पोर्टिंग विचित्र हेड गियर एक सुंदर काली शिखा और गालों पर लाल धब्बे के साथ दबे हुए पक्षी को याद करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये भारत के अधिकांश हिस्सों में वितरित किया जाता है। शहरी उद्यानों और शहरों में झाड़ियों और हरे पैच से घने जंगलों और झाड़ियों तक जंगल, वे अक्सर बर्ड वॉचर्स के लिए निराशा का स्रोत होते हैं। आप अपनी दूरबीन को अपनी सूची में शामिल करने के लिए एक नई प्रजाति को चुनने की उम्मीद में झाड़ियों में रहस्यमय आंदोलनों की जांच करने के लिए उठाते हैं, लेकिन उनके छुट्टीले शिखर पहले बाहर निकलते हैं, फिर सिर निकलते हैं, आपसे मिलते हैं। विचित्र चकाचौंध रेड वेंटेड बुलबुल एक अनक्रेस्टेड प्रजाति भी देश भर में काफी आम है। आम तौर पर दिखने वाली इन बुलबुलों में मेरी पसंदीदा सफेद भौं वाली बुलबुल है। यद्यपि आप इन्हें केवल प्रायद्वीपीय भारत में ही पाएंगे, इसकी छलावरण वाले जैतून के पंखों के साथ आप इसे देखने से पहले ही सुन लेंगे। इस क्रिस्टलस बुलबुल में एक रमणीय गड़गड़ाहट है, जो मुझे टपकते पानी की याद दिलाती है, और एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आप उनकी विशेष सफेद भौं को नहीं भूलेंगे, जो उनके बाकी शरीर से अलग दिखती है। लेकिन अधिकांश अन्य बुलबुल प्रजातियों का वितरण सीमित है। कम से कम 10 प्रजातियां ऐश माउंटेन और फ्लेवियसेंट बुलबुल सहित केवल पूर्वोत्तर भारत और हिमालय के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। आपको आश्चर्यजनक फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, हाँ, इसका गला वास्तव में ऐसा लगता है जैसे ये शानदार लाल आग पर है। वर पूंछ और ग्रे हेडेड बुलबुल केवल पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में मिलेंगे। इनमें से कुछ बुलबुलों को ध्यान से देखें और आप देखेंगे कि कैसे उनकी दिखावट उन्हें बहुत अलग भाव देती है। इसकी हल्की नीली आंखें एक राख के सिर के खिलाफ सेट होती हैं।
उदाहरण के लिए ग्रे-हेडेड बुलबुल देती है एक सदा आश्चर्यचकित रूप, जैसा कि ईबर्ड पर इसका विवरण पड़ता है। इनमें से कुछ बुलबुल प्रजातियां कम आम होती जा रही हैं और अधिक खतरे में हैं। उदाहरण के लिए कछारिया भारतीय जैतून बुलबुल 101 पक्षी प्रजातियों में से एक है। पूरे भारत में अध्ययन की गई 867 पक्षी प्रजातियों में से को स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स द्वारा उच्च संरक्षण चिंता के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो भारत के पक्षियों की स्थिति पर एक ऐतिहासिक रिपोर्ट है। एबर्ड से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 2020 में प्रकाशित देश पक्षी केवल पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में पाया जाता है। रिपोर्ट में पीले गले वाली बुलबुल को तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में संरक्षण चिंता की एक प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। प्रजातियां पश्चिमी घाटों में बहुतायत में दीर्घकालिक गिरावट भी दिखाती हैं, जहां ये पाया जाता है। रेड व्हिस्कर्ड और रेड विंटेड जैसी कुछ बुलबुल अब कुछ देशों में कैचड बर्ड व्यापार और परिणामी आकस्मिक परिचय के परिणाम स्वरूप आक्रामक प्रजातियां बन गई हैं। उदाहरण के लिए लाल मूंछ वाली बुलबुल ने फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और हवाई तक अपना रास्ता खोज लिया है। वैज्ञानिकों ने 2018 में पाया कि रेड विंटेड बुलबुल, जिसे दक्षिण प्रशांत महासागर में न्यू कैलेडोनिया के द्वीप में पेश किया गया है, देशी पक्षी प्रजातियों को मात देती है।